वेलकम टू माई चैनल फीवर। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ, तो अभी मैं लेकर के आई हूँ आज मेकअप ट्यूटोरियल। आपको देख के लग ही रहा होगा कि कितना कलरफुल सा अटायर पहनाया वाला साड़ी पहनी हुई है। तो ऑफकोर्स ये होली का ही है, ये ही मेरा होली मेकअप है एंड साड़ी में सब कुछ करके दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे मैंने ये सब पूरा लुक क्रिएट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज, जिसने भी चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक एंड कमेंट, क्योंकि मैं अभी और भी बहुत सारे शॉपिंग हॉल लेके आने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर रखा है ट्रैक पैंट्स और जॉगर वगैरह, अभी डिलीवर नहीं हुआ है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। तो चलिए पहले हम अभी ये देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है क्लिंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग CTM। ठीक है, तो क्लिंजिंग टोनिंग मैं कर चुकी हूँ, अभी मॉइस्चराइजिंग मुझे करना है। ये है मेरा न्यूट्रीडर्म का विटामिन ई मॉइस्चराइजर। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, उसको बहुत हाइड्रेट कर देता है, हाइड्रेट रखता है। और मेकअप से पहले हमें अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई करना ही चाहिए ताकि हमारा जो मेकअप है वो फ्लॉलेस लगे, मतलब ड्राई नहीं लगे, क्रैकी नहीं लगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपना ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा रहता है मेकअप से पहले अप्लाई करना। ठीक है, तो अभी मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूंगी अपने पूरे फेस पे, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसा कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मुझे मॉइस्चराइजर अच्छे से लगता है, मतलब कि मैं अच्छे से अप्लाई करूंगी पूरा आपका नेक पे, एयर पे, आईज पे, हर जगह आपको अच्छे से ये अप्लाई कर लेना है। तो ये अच्छे से हो गया है। ये देखो, मॉर्निंग में मैंने आफ्टर हेयर वॉश मैंने 4 ब्रेड्स बना लिए थे, मतलब छोटी, चार छोटी बनाई थी अपने हेयर को, चार सेक्शन में डिवाइड करी थी, क्योंकि मुझे थोड़े से पफी और नेचुरल कर्ल्स चाहिए थे। और मैं हीटिंग इक्विपमेंट्स, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे लगता है कि हेयर काफ़ी डैमेज हो जाते हैं उनसे, इसलिए। तो अभी मैं अप्लाई करूँगी इसमें थोड़ा सा और मॉइस्चराइजर, मुझे और ड्राई लग रही है अपनी स्किन। ठीक है, तो ये हमारा मॉइस्चराइजिंग हो गया है डन। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ यहाँ पर प्राइमर। ठीक है, ये है मेरा वेट एंड वाइल्ड का ड्यूई प्राइमर। और प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि होता है ना कि आपके जो पोर्स होते हैं उनको ब्लर आउट कर देता है, आपकी स्किन को स्मूथ दिखाता है, और जिससे आपका जो मेकअप होता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ठीक है, और ये मेकअप से भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, ये मेकअप और आपकी स्किन के बीच में एक लेयर आजाद बना देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है ना कि मेकअप से भी कोई भी हार्मफुल इफेक्ट आपकी स्किन पर नहीं होते हैं, आपके पोर्स क्लॉग नहीं होते मेकअप की वजह से। ठीक है, तो प्राइमर जरूर लगाना चाहिए आप मेकअप अप्लाई करने से पहले, क्योंकि आपने देखा भी होगा जब भी हम वॉल पेंट कराते हैं प्राइमर इसीलिए अप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो पेंट है वो लॉन्ग लास्ट रहे। और जो भी है ना उसमें वॉल्स में होते ही हैं छोटे छोटे से रहता होगा, तो वो पूरा इक्वल हो जाता है, जो उसका बेस होता है वो फ्लॉलेस हो जाता है। उसके बाद जब पेंट करते हैं तो उसकी फिनिशिंग एक अलग ही होती है। ठीक है, तो इसलिए आप प्राइमर जरूर लगाओ। ये देखो, सिर्फ मैंने प्राइमर भी अप्लाई करा है, ये है वेट एंड वाइल्ड का ड्यूई प्राइमर, और मेरे फेस पे कितना ग्लो लग रहा है अभी। तो अगर आपको और कुछ मेकअप नहीं अप्लाई करना है तो आप सिर्फ प्राइमर और ये सनस्क्रीन लगाकर भी आराम से बाहर जा सकते हो। देखो कितना ग्लो है, इवन जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा मेकअप वैसे भी नहीं करना चाहिए, आई लव मेकअप बट ज्यादा मैं वैसे भी प्रेफर नहीं करती हूँ, बट हाँ ओकेजनली सही है, चलता है। तो अभी मैं नेक्स्ट लगाऊंगी कंसीलर, ये है मेरा NYB का कंसीलर, मीडियम इसका कलर है। ठीक है, तो ये मैं शेयर कर दूंगी सारे के सारे जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ मेकअप के लिए, सारे लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग जाके इसलिए बाय कर सकते हो। तो अभी मैं लगा रही हूँ कंसीलर, क्योंकि मेरे ना फ्रिकल्स है थोड़े से फेस पे। ठीक है, तो वो मुझे अच्छा लगता है, बट हाँ अभी मैं प्रॉपर मेकअप करके दिखा रही हूँ, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं फिर हम लोग। तो अभी हम लोग ये मैं लगाने वाली हूँ ये कंसीलर, तो मुझे जहाँ भी मुझे अपने फ्रिकल्स दिख रहे हैं, तो मैंने ये अपने आपको बना लिया है झिंगा लाला हू लगा कर। ठीक है, तो अभी मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ब्लेंडर की हेल्प से। तो ये मैंने पहले इसको वेट कर लिया था, ब्लेंडर को स्क्वीज किया है, उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो ये अच्छे से मैं इसको डैब डैब करके अप्लाई कर लूंगी, ये पूरा अच्छे से कवर कर लेगा जो भी मेरे फ्रिकल्स वगैरह हैं। अच्छे से तो नहीं, बट हाँ काफ़ी हद तक कवर कर लेता है ये, मीडियम कवरेज है इसकी, इतनी ज़्यादा वो नहीं है, डीप नहीं है, इतनी हाई कवरेज नहीं है, मीडियम है। तो ऑब्वियसली हल्का ही आपको दिख रहे होंगे कि अभी हल्के हल्के से मेरे फ्रिकल्स दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा लाइट ही मेकअप सही रहता है, ताकि आप यूज टू नहीं हो जाओ मेकअप के, कि आप बगैर मेकअप के अपने आप को देख ही नहीं पाओ। सो यस, तो मेरा ये हो चुका है अच्छे से ब्लेंड। अब हम लगाएंगे, मैं कर रही हूँ आज CC क्रीम से मेकअप। तो ये 9 to 5 का मेरा है विच कलर, इसमें 4 शेड्स हैं। ठीक है, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, आप ऑब्वियसली सभी यूज कर ही रहे होगे। ठीक है, सही रहता है यार, कॉलेज के लिए अपना वर्किंग हो आप तब भी इजीली इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इतना ज्यादा हैवी बेस नहीं रहता। फाउंडेशन का मुझे लगता है थोड़ा हैवी है, और अगर कुछ अच्छी पार्टी, अच्छी मीन्स लगे, लाइक वेडिंग है या कुछ
बड़ा फंक्शन है तो आप अप्लाई करो, चलता है यार इतना तो अच्छा लगता है, डिफरेंट लुक लगता है। अगर आप डेली डेली हम लोग हैवी मेकअप करेंगे तो ऑब्वियसली सेम ही लगेगा पार्टी डे पे, जो मेरा है। और अदरवाइज मेरा मतलब ये है कि मेन होता है कि आपका जो नेचुरल ब्यूटी है वही रहने दो, कभी कभी बस आप अपने जो फीचर्स हैं जो आपके उनको ही आप इन्हेंस करो, ठीक है, उसी को आप अच्छे से इन्हेंस करो मेकअप करके, उनको मत दबा दो। इतना मेकअप नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे के फीचर्स ही एकदम से आर्टिफिशियल लगने लगे, ठीक है। तो अभी मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये मैंने सीसी क्रीम लगाई है, मैंने आज थोड़ा क्वांटिटी इसकी ज़्यादा है, अदरवाइज मैं बहुत एक दो ड्रॉप ही ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अभी हम मेकअप कर रहे हैं, ठीक है, तो बेस अच्छे से होना चाहिए। तो ये हमारा सीसी क्रीम से हो गया, ये देखो अभी भी कितना ग्लो कर रहा है, मतलब सीसी क्रीम और आपका प्राइमर, सही में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। बट आज मैं थोड़ा सा, मेरा मल्टी कलर ड्रेस है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा करूँगी, और आप होली मेकअप कर रहे हैं तो कलरफुल तो होना चाहिए। तो ये है अभी मेरा लैक्मे का लूज पाउडर, इसका शेड है पिंक, ठीक है, तो मैं इसको अभी अप्लाई करूँगी। मैं इसको छोटे ब्रश से ही अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने लिप कॉर्नर्स में और अपने आईज कॉर्नर पे, क्योंकि हम लोग स्माइल करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, हमने मेकअप जो किया होता है फाउंडेशन, यहाँ से क्रैक होने लगता है, ठीक है, लाइंस आ जाती हैं, तो इसलिए हम इसको पाउडर से सेट कर लेंगे ताकि वो यहाँ पर लाइंस नहीं आए, स्माइल भी करें या बात भी करें, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगे। तो इसलिए हम लोग आईज पे भी, हमारा जब स्माइल करते हैं तो ऑब्वियसली श्रिंक होते हैं स्किन, तो वहाँ पे भी हल्की सी लाइंस, तो इसलिए सिर्फ मैंने कॉर्नर्स में ही लगाया है जहाँ पे हम लोगों का लाइंस पड़ती हैं बात करने से या स्माइल करने से, ठीक है, ताकि वहाँ पे हमारा जो मेकअप है, जो लेयर है, वो क्रैक्स ना हो, क्रैक्स नहीं आए, इसलिए। तो अभी नेक्स्ट आता है हमारा आई शेडो, ठीक है, ये है मेरा स्विस ब्यूटी का प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट, ठीक है, इसमें से मैं ऑरेंज कलर यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं, क्योंकि मेरा साड़ी का कलर ऑरेंज और मल्टी कलर है, ग्रीन है, बहुत सारे कलर्स हैं ब्राइट ब्राइट से, तो मैं अभी ऑरेंज कलर चूज़ किया है मैंने, तो मैं इसमें लगा रही हूँ। मैं अच्छे से पूरा क्रीज पे अप्लाई कर लूँगी, ठीक है, प्रॉपर अपना अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं इसको भी नीचे भी अप्लाई करूँगी, अपने जो आई लैशेज होती हैं, आईलेट नीचे की लाइट पे भी इसको हल्का सा, ताकि आपका स्किन जो है, ये देखो यहाँ पे भी इसको अप्लाई करना है अपना आई लैशेज की साइड में, आईलेट पर, ठीक है, ताकि आपका जो आई का लुक है वो ओवरऑल अच्छा लगे, नेचुरल सा लगे एक्चुअली, इसलिए। तो ये मेरा हो चुका है, और अभी मैं थोड़ा सा इसमें से जो हाइलाइटर है वो मैं अपनी आई कॉर्नर्स पे लगाऊंगी, क्योंकि उससे बहुत अच्छा सा लुक आता है, आपकी जो आईज हैं वो एकदम से हाइलाइटेड हो जाती हैं, ठीक है, थोड़ा लाइट लाइट होता है साइड में कॉर्नर्स में, और लास्ट में थोड़ा कलर डार्क हो तो वो भी बहुत प्यारा लगता है, नेचुरल सा लगता है, और बहुत लाइट शेड्स हैं तो ऑब्वियसली आपको इतना ज़्यादा ओवर बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, ठीक है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, ये है वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पैलेट, ठीक है, ये अब हम नेक्स्ट अपना आईब्रो करेंगे। मैं इसमें से यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शेड, क्योंकि मेरी आईब्रो बहुत लाइट है, ज़रा डार्क नहीं है, ठीक है, और मतलब ब्राउनिश ही है, तो अभी मैं इसमें ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं इसको शेप दे दूंगी, ठीक है, आउटलाइन कर लूंगी, उसके बाद मैं इसको अच्छे से, आपको ऐसे ऊपर की साइड में इसको अच्छे से फिल करना है, ठीक है, ताकि वो शेप अच्छी आ जाए आपकी। तो ये मेरी आईब्रो ऑलमोस्ट डन होने वाली है, देखो हो चुकी है, कितना अच्छा सा लुक आ गया है, कितनी प्यारी लग रही है। होता ना, आईब्रो आपका मेन होता है, अगर आप सिर्फ आईब्रो ही अपनी अच्छे से इन्हेंस कर लो और सिर्फ सीसी क्रीम लगा लो, तब भी ओवरऑल बहुत बहुत प्यारा लुक आता है, ठीक है। अभी मैं लगाऊंगी लाइनर। मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरा आईब्रो ब्रश था पहले मैं उससे सेट कर रही हूँ, विंग बना रही हूँ अपना, ठीक है। उससे क्या होता है, मुझे इजी होता है आई लाइनर अप्लाई करने में, दोनों इक्वल आते हैं, वरना थोड़ा सा मेरा आई लाइनर में हाथ हिल जाता है, इसलिए मैंने पहले अपना आईब्रो जो मेरा ये हाथ ब्रश था, मैंने इसको इससे ऐसे विंग बना लिए हैं। अब देखो साइड कॉर्नर्स इसके इसमें अपने मैं मिक्स कर लूँगी, मर्ज कर लूँगी, उसके बाद मैं इसके ऊपर से आउटलाइन करूँगी, अपना लिक्विड लाइनर है मेरा लैक्मे का, सॉरी मेबेलिन का, उसके बाद मैं वो अप्लाई करने वाली हूँ उसके ऊपर। तो मेरा ये हो गया है, देखो प्रॉपर मैंने विंग्स बना लिए हैं इसे, ठीक है। अब मैं लगाऊंगी, मेबेलिन का मेरा लिक्विड आईलाइनर है, तो मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ, तो इजी रहता है ये, देखो अपना इजीली शेप बन जाएगी। तो ये मेरा आईलाइनर प्रॉपर अच्छे से लग गया है, देखो प्रॉपर शेप आ गई है, बिल्कुल भी हिला भी नहीं है, निकला भी नहीं है इधर उधर, वरना हो जाता है। मैं लगाऊंगी मस्कारा नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। ये है मेरा कर्ल एंड सॉल्व 2-in-1 मस्कारा, ठीक है, इससे आपके कर्ल्स भी होंगे और अप्लाई भी हो जाएगा इजीली। इसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे, मैंने अमेजन से लिया है तो उसलिए मैंने ये बाय किया है। अभी देखो पहले मैं इसको ऊपर भी हमें अच्छे से लगाना है और नीचे वाले आईलैशेस पर भी लगाना है, ठीक है। तो ये मैं दोनों साइड पर लगा लूंगी इसको, ये देखो मैं ऊपर से लगाऊंगी इसको ताकि ऊपर का भी अच्छे से कवर हो जाए।
और अभी नीचे वाले पे ध्यान से लगाना ताकि आपका ये नीचे मेकअप पे ना लग जाए, अदरवाइज फिर से आपको फाउंडेशन वगैरह हल्का सा उसको खटाना पड़ेगा। अब मैं लगाने वाली हूँ ब्लश, ये है मेरा, इसमें जो मैंने आपको दिखाया था शेड पिंक कलर का है ये, ठीक है। तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ चिक्स पर और ये इस पे नोज पे, ठीक है। आपका पूरा ये शेड सेम आना चाहिए क्योंकि फिर नेचुरल सा लगता है, अदरवाइज थोड़ा सा लगेगा कि और ज़्यादा मत लगाना, ठीक है, हल्का हल्का सा ही हो तो वो अच्छा लगता है। अभी मैं इसी के ऊपर से मैं हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ सेम ब्रश से, ठीक है, मैं कोई ब्रश चेंज नहीं कर रही हूँ। ये देखो कितना ग्लो कर रहा है ना, मतलब अच्छा लग रहा है, ग्लोई ग्लोई। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑरेंज कलर की लिपस्टिक, ये मैंने यहीं पे लोकल मार्केट से लिया है, लोकल मतलब कि अपने यहीं से पास वाले कॉस्मेटिक मार्केट से लिया है, ठीक है। इसका लिंक मैंने ऑनलाइन बाय नहीं करी है, मैं देखूंगी अगर मुझे मिल जाएगी ऑनलाइन तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी, और अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो मेरा ये मेकअप हो गया है ऑलमोस्ट डन, बट यह लास्ट स्टेप रह गया है, मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ NYX का डूई फिनिश सेटिंग स्प्रे, मेकअप सेटिंग स्प्रे, ठीक है। इससे भी आपका जो भी मेकअप है प्रॉपर सेट हो जाएगा, ठीक है, उधर नहीं लगेगा, कभी आप मास्क पहन रहे हो या फ़ोन पे बात कर रहे हो तो उधर टच नहीं होगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा है ये भी, डूई फिनिश देता है, ठीक है, एकदम से ग्लो मस्त ग्लो लेकर के आता है ये भी आपके फेस पर। ये देखो यार कितना ग्लो ग्लो लग रहा है ना, कितनी अच्छी लग रही है स्किन, बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रही है और कितनी ग्लोई लग रही है, मेरे को तो मजा आ गया मेकअप करके, कितना ग्लो लग रहा है ये देखो। तो हमारा मेकअप हो गया डन, अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो मैंने चोटी बनाई हुई थी अब मैं इनको करूंगी ओपन, ठीक है। ये देखो मैंने इसमें अच्छे से इसको चार ही बनाई हुई है मैंने, फोर सेक्शन में डिवाइड करके, क्योंकि मुझे ज़्यादा भी नहीं चाहिए था फूले फूले अपने हेयर, ठीक है, अच्छे चाहिए थे, थोड़ा डिफरेंट लुक चाहिए था। ये देखो मैंने चार करी हुई है, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है, ऐसे भी जा सकती हूँ अब, ठीक है। मैं सोच रही हूँ मैं इसको बाद में ओपन करती हूँ, पहले मैं साड़ी ड्रैप कर लेती हूँ। तो चलिए ये हमें साड़ी हम ड्रैप करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको जो भी आप फुटवेयर पहनने वाले हो, हील्स फ्लैट जो भी है, पहले आप वो पहन लो, उससे साड़ी का लेंथ सही आएगा। तो मैं फ्लैट्स पहन रही हूँ अभी, हील्स नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी ये नागरे पहने हैं, ये देखो मैंने हेयर यहाँ पर ओपन कर लिए हैं, सोचा है मैंने कि पहले चलो मैं हेयर ओपन कर लेती हूँ। तो ये देखो यार पूरे हो गए हैं, कितना अच्छे लग रहे हैं, कितने पफी हो गए हैं, ये देखो जो ये फ्लैक आगे आई है, वाओ कितनी प्रिटी लग रही है ना, डिफरेंट सा लुक हो गया एकदम, सिर्फ हेयर स्टाइल से ना सच्ची में आपका ओवरऑल लुक चेंज हो जाता है। तो चलिए हम साड़ी देखते हैं, साड़ी कैसे हमें ड्रैप करनी है। तो पहले हमें हाफ साड़ी को नेवल साइड से उसको अंदर टक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर पल्ला, ठीक है। तो पहले मैं अपने पल्ले की लेंथ देखूंगी, मैंने उसको यहाँ पर टक कर लिया है सपोर्ट के लिए ताकि नीचे ना गिरे बार बार। अब मैं अपने पल्ले की लेंथ देख रही हूँ तो मुझे कितना लंबा रखना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप अपना इक्वल लेकर पल्ला, जितना भी आपको लेंथ चाहिए आप उतना उसको कर सकते हो। अब जितना हमारा एक्स्ट्रा बचा है वो साड़ी मैं प्लीट्स बनाऊंगी उसकी। तो पहले हमें अपनी साड़ी को फिटिंग देने के लिए मैं यहाँ पे पिन यूज़ बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। आप लोग पिन यूज़ कर सकते हो अगर आप कम्फर्टेबल नहीं हो, मैं यहाँ पे कम्फर्टेबल हूँ, साड़ी पहनते हुए मुझे अच्छे से प्रैक्टिस है साड़ी की। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से उसको इंसर्ट कर लिया है, टक कर लिया है साइड से टाइट करके उसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी प्लीट्स, तो ध्यान रखना, ठीक है, प्लीट्स इक्वल होनी चाहिए। और जो आपकी लास्ट वाली जो प्लीट्स है ना, वो जो मतलब प्लेट है वो बहुत नहीं बट हाँ थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए, बाकी प्लीट्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए ताकि वो पीछे की तरफ नहीं भागती है। अदरवाइज क्या होगा ना, लास्ट वाला आपका पीछे भागता रहेगा तो वो सारी प्लीट्स का लुक भी खराब कर देता है, ठीक है। ये देखो हो गया, कितना इजीली ड्रैप हो गया। अगर आपको यहाँ पे पिन लगाना है लगा सकते हो, बट ये साड़ी बहुत प्यारी है, ये ऐसे ही आराम से मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। ये देखो यार कुछ नहीं किया है, कितना इजीली ड्रैप हो गया। पिन्स मैं यूज नहीं करती हूँ ज्यादा, हाँ एक पल्ले में आपको लगाना है यहाँ पे ऊपर, आप लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी इसको ब्लेजर के साथ भी एक स्टाइल देना है तो मैंने यहाँ पे इसलिए पिन नहीं लगाई है। ये देखो यार कितना प्यारा लग रहा है ये कलर, सीरियसली वे बहुत सुंदर, आई लव दिस साड़ी। आप इसे ब्लेजर के साथ या वेस्ट कोट के साथ भी इसको पेयर अप कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। तो जो मैंने लिया है ये ब्लैक, मैंने लिया है मिंत्रा से, मैंने मिंत्रा शॉपिंग हॉल का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ 2 दिन पहले, उसमें मैंने सारे लिंक शेयर किए हैं। अगर आपको बाय करना है तो मैं लिंक उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देख सकते हो। तो ये है मेरा होली मेकअप।
लुक टुगेदर विद हेयर विद मेकअप विद साड़ी. बताना मुझे कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको ये लुक एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लाइक एंड कमेंट. चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय टेक केयर ऑफ यू. और नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है ऑडियो हॉल के ऊपर. मैंने ऑलरेडी ट्रैक पैंट्स और जॉगर्स ऑर्डर किए हुए हैं, वो अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुए हैं, मैं उनका वेट कर रही हूँ. और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मुझे मिल गया है. प्राइस बहुत बहुत मतलब इतने रीजनेबल है कि आप भी शॉक्ड हो गए सुन के कि इतने सस्ते मिल कैसे गए. तो नेक्स्ट वीडियो मेरा वो है, वो शायद अभी आ जाएगा कल परसों तक, तो मैं उसके ऊपर अभी बनाती हूँ. सो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड. बाय बाय.